नाज़रीन व समीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राजा अब्दुल हुसैन अहमद करा तो सब तकड़े हो पे बड़ा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में बनाई दोस्तों बाबा ने कुछ चंद फरमाइशा हुई बाज़ औक़ात मैं कोशिश कर सा कि जरा अगर मैं गल की उसने जो 27 तारीख प्रोग्राम जरा बड़ा होना पे माशाल्लाह बंगयाल शरीफ उसने विच मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यह प्रोग्राम चला मैं माड़ी पूरी कोशिश उसी इंशाल्लाह जेडे संगीत सुने हो बाद दफा नेट कोई मसला हो तो और गल है तो माड़ी ट्राई उसी कि वह पूरा प्रोग्राम तुसा की मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब चैनल पर दसा। हूँ मैं कमेंट्स पढ़े से दोस्तों बाबा ने काफ़ी कमेंट्स आए से जिसने बाबे मिर्जे साहब ने शहर ने कोई फरमाइश हुई भी और एक मैं काफ़ी पुराना शेर आ लेकिन उसकी इब्तदा यह है कि मैं इस फील्ड च स्कूल लाइफ च कदम जिस रखा तो ये बशीर राय साहब से जेडे मुड़ा लंगड़ियाल ने से चोहा खालसा कोला सूबेदार रिटायर से माशाल्लाह तो उन्होंने एक स्कूल लाइफ च मैं कदम रखे उन्होंने शेर माड़े के आया उस बहुत ज़्यादा जौक शौक मी चंगा नहीं उठी तो किस मुकाम पर मैं पढ़िया तो दोस्त है बाबा बड़ा पुराना शेर वो याद कराया मैं तो मुहब्बत नहीं जड़ी इब्तदा सी ना तो बशीर राय साहब आने से कि अगे गलियां दी खाक संग खाक सामे दिल भर होर रुलासें ते की उसी खून जिगर ना इजर विच काड़ के ते मेरा चम सुकासें ते की उसी गल विच पार सा पैरे बन घुंगरू मजनू वांग निचासें ते की उसी काले इलम दा मंत्र बशीर पढ़ के चला कमला बनासें ते की उसी। बावे मिर्ज़े शेज़मान साहब ने शेरों ने काफ़ी फरमाइश है लेकिन एक उस शेरा ने फरमाइश आई कि जिस सरकार की हार्ट न मसला होया उस टाइम जिस टाइम जवान बच्चा भी आसफ मरूम फौत होया जी यासर क्यानी साहब जे उन्होंने समझा दिए उन्होंने को बड़े से आसफ क्यानी तो वो जिस फौत होए जवान बेटा सा ने ते प्रॉब्लम हो गई ने ते मैं उन्होंने मिलने वास्ते गया हाँ ये दोस्तों ने काफ़ी दोस्तों ने चाह सी इस शेर ने तो मैं मिलने वास्ते गया उस तबीयत खराब सी ने तो नाल ही जनाब बैठे हुए डॉक्टर साहब भी तो वो चूंकि दवाई देन आए तो मैं कुर्सी चिक्की नाल बैठा तबीयत ना पूछा क्या हाल है मजाज शरीफ बस आने अल्लाह ना करम आ शुक्र अलहमदुल्ला ये तो नशेबो फराज दुनिया च लगे हुए जिंदगी बल्कि शेर ने सारे बुक मौसम ने फयाज शाह साहब जे वैशाली ने तलक रखने उन्होंने बाकायदा फोन करी तो फरमाइश की इस शेर ने जरा मैं पढ़ना तो और भी कमेंट्स आए उन्होंने काफ़ी फरमाइश है इसने तो बीमार हो तो मैं पूछा हाल जिस तो भी आने कलम कागज रखो मैं तुम कि शेर लिखाना है तो डॉक्टर साहब नाल बैठे इसे ने तो शेर लिखाने पे तो आने ना कर नब्ज शनास किरतास काले ए नब्जा तकन आलिया अपने कागज ना पर दवाइया लिखी लिखी थे है जी आने ना कर नब्ज शनास किरतास काले क्यों टुटे दिल दवा नहीं जोड़ सकती ते मख्फी तीर जड़ा गया चीर सीना तेरी तिब तबीबा नहीं लोड़ सकती। बाबा आखे पे कि ऐसी मर्ज ना आजक मरीजा में जेड़ी जिंदगी मैनू नहीं छोड़ सकती ना दे दम दलासे फजूल मिर्जा तेरी इकमत कजा नहीं मोड़ सकती। ते दोस्तों बाबा नी चाहत सी नाल नाल बाबा सरकार जरा ना बड़ी जिंदगी अपनी गुजारी ने खटन तरीके नाल मतलब है काफ़ी वो अल्लाह ने तरफों आजमाइशा इम्तहान से बड़े जिंदा दिली नाल उन्होंने अपना वक्त गुजारिया तो खुददारी भी गुजारिया एक जाई वो लिखने पे कि नहीं खबर की विच तकदीर लिखिया बेड़ी बख्ता जा कित्थे अखीर लानी डिठा सुध सवाद ना जिंदगी दा रही जख्म मवले तकदीर लानी वही मेर मुरवत ना यार वलू गर्दश फलक रही तीर बेपीर लानी
उसी जिंदगी दा चमन आबाद मिर्जा या फिर झुग्गी बन के जरा फकीर लानी। सरकार ने बड़िया गलां और दोस्तों बाबा दियां भी चाहताइयां लाल लाल मद्देनजर रखसा उसने की एक प्रोग्राम होया सी। उस प्रोग्राम में चूंकि उस मजमून बंदी ने प्रोग्राम होने से एक सब्जेक्ट शुरू होना हो सकना घंटा घंटा उस पर डिस्कस होनी रहा। उस प्रोग्राम में मैं एक शेर पढ़िया सा शेर मलिक साहब ना सा वो बड़ा सादा जहा शेर सा मजाजा ना अंदाज लेकिन वो दोस्तों बाबा बहुत पसंद किया तो उन्हें आख्या जी साड़ी मुहब्बत है तुसा ये पढ़ी सटिया है। वो शेर इस तरह कि गली गली विच जाके प्यार लोड़े गली गली विच जाके प्यार लोड़े ये कोई सौदा अकीमा दी अटीदा नहीं। क्यों गली गली विच जाके प्यार लोड़े ये कोई सौदा अकीमा दी अटीदा नहीं। दे सर ते यार दीदार देंदा मुल सिर लगदा सूतर अटीदा नहीं। फिर सरकार फरमाने कि मनो यार दी गल ते गल बनदी गल अपनी ते सदा डटीदा नहीं। जेकर मलक जी भार न चाह सकीए झुग्गा किसा गरीबा दा पट्टीदा नहीं। बहरहाल तुसां दी मुहब्बत साडे नाल रहसन ते दुआ कर सा अल्लाह ताला तुसां की सलामती दी और सेहत दी जिंदगी अता करे ते दोस्तों की चैनल सबसक्राइब करने रहा भी नाल शेयर करने रहा भी तो दुआ याद रखे फिर हमारा।